हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन शो चैनल अगेन। हम सभी को खास तरह से बैठने की आदत होती है। कुछ लोग सीधे बैठते हैं, कुछ लोग पैर फैलाकर बैठते हैं, तो कुछ लोग अपना पैर पे पैर रखकर बैठते हैं। इसी तरह कुर्सी और सोफ़ा पर बैठने का भी हमारा अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कुर्सी और सोफ़ा पर बैठे हुए अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा कर ही बैठते हैं। कभी कभी ऐसा बैठना ठीक है, लेकिन आजकल तो ऐसा बैठना एक स्टाइल बन चुका है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इन फ्यूचर। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं क्या होता है नुकसान पैर पर पैर रखकर बैठने से। पैर पर पैर रखकर बैठने के साइड इफ़ेक्ट्स जानने के बाद शायद आप ऐसा करना कम कर दें, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 1, पैर पर पैर रखकर लंबे समय तक बैठने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। कई स्टडीज़ में देखा गया है कि 3 घंटे से ज़्यादा पैर पर पैर रखकर बैठने से आपको टेम्परेरी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप ऑलरेडी ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आपको लंबे समय तक पैर पर पैर रखकर बैठना नहीं चाहिए। नंबर 2, एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठने से पाँव सुन्न हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि इस तरह बैठने से घुटने के पीछे वाली नस पर दबाव बढ़ जाता है और नीचे के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका पैर सुन्न पड़ जाता है। नंबर 3, पैर पर पैर रखकर बैठने से आपको बैक पेन होता है और इसका नेगेटिव इफेक्ट सीधा रीढ़ की हड्डी पर भी पड़ सकता है। नंबर 4, आपके घुटनों को कमज़ोर कर सकता है और आपकी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती है। नंबर 5, पैर पर पैर रखकर बैठने से आपका बॉडी पोस्चर बिगड़ सकता है।